सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कभी सोचा नहीं मैं भी ब्लॉगिंग करूंगा इन लोगों के जैसा। फर्स्ट टाइम जब मैं सामने खड़ा हो रहा हूं, कभी ऐसा नर्वसनेस फील कर रहा हूं अभी। नर्वस होने की कोई बात नहीं है। पता है गाइस, आज टेंशन के मारे मेरा हालत पूरा खराब हो गया था यार। यही पेंट करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। पीस। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज का ब्लॉग गाइस काफी अलग होने वाला है, काफी हटके होने वाला है, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ अपना ड्रीम प्लेस पे। तो मेरा ड्रीम प्लेस क्या है वो जानने के लिए आपको ये वाला ब्लॉग देखना पड़ेगा। और इतना मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल सकता हूँ कि ये वाला ब्लॉग बहुत एक्साइटेड और बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, एंड प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। 5 साल से मैं मोटो ब्लॉगिंग देखा हूँ, कभी सोचा नहीं मैं भी ब्लॉगिंग करूँगा इन लोगों के जैसा। वो भी हाँ, पता है मेरे पास सुपर बाइक नहीं है, लेकिन यार यही अपना सुपर बाइक है। देखते देखते मैं काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स यहाँ से 2 मिनट लगेगा। तो चलो यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज तक मैंने बहुत बार ब्लॉग में देखा ये जगह, लेकिन अपने आँखों से कभी नहीं देखा। तो इसी वजह से यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार ये जगह देखने के लिए। मतलब जगह कैसा दिखता होगा और मतलब सामने से कैसा दिखता होगा। और जॉय भैया से भी मैं कभी बात नहीं किया हूँ, ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं शायद जॉय भैया से बात कर रहा हूँ। और देखते ही देखते मैं पहुँच चुका हूँ यार। वाओ यार, देख सकते हो यार, वाओ यार, चलो यार अंदर जाते और देखते। गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे हर एक मोटो ब्लॉगर का ड्रीम होता है ये जगह पे आना, एटलीस्ट एक बार देखना। तो मैं आ चुका हूँ जॉय वाइस पॉइंट पे। फर्स्ट टाइम जब मैं सामने खड़ा हो रहा हूँ, कभी नर्वसनेस फील कर रहा हूँ अभी। कोई बात नहीं है, अब एक जैसे ही है। इतना सारा वाइस फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लाइफ में, इतना सारा सुपर बाइक एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास अभी ऑलमोस्ट सब वेरिएंट का स्टॉक रखा हुआ है, क्रूजर से लेके नेकेड, सुपर स्पोर्ट, टूरिंग, सब टाइप का ही स्पोर्ट्स टूरर, सब सब कुछ बाइक अभी ऑल वेरिएंट में बाइक अवेलेबल है। अभी स्टार्ट करते हैं। ये है हार्ले डेविडसन की
सुपर लो 83, ये 2014 की मॉडल है, करीबन 1.5 लाख की एक्सेस लगा हुआ है गाड़ी में, 12,000 कुछ चला हुआ है, सिंगल ओनर है, वेस्ट बंगाल नंबर। ये बाइक का हमारा आस्किंग प्राइस है 3,60,000। नेक्स्ट आयरन एडिशन की आयरन 83, ये भी 2014 मॉडल है, ये भी 12,700 के आसपास चला हुआ है, इसमें करीबन 1 लाख की एक्सेस लगा है गाड़ी में, और ये गाड़ी का हमारा आस्किंग प्राइस है 3,90,000 रुपये। काफ़ी कम है। फिर आता है नॉजी वल्कन S650, ये 2018 की मॉडल है, 4,400 किलोमीटर सिर्फ चला हुआ है, सिंगल ओनर बाइक है, स्टॉक बाइक है, वेस्ट बंगाल नंबर है। ये बाइक का मतलब आस्किंग प्राइस है 3,70,000।18 की गाड़ी है, सेकंड ओनर है गाड़ी, और एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है, नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन में है। ये गाड़ी का हमारा आस्किंग प्राइस है 7,500 रुपये। काफ़ी कम है ये भी। नेक्स्ट आ रहा है डुगाटी की मॉन्स्टर 821, ब्लैक स्टील कलर में है, 2018 मैन्युफैक्चर, 2019 रजिस्टर्ड, 7,500 चला हुआ है, सामने फॉक प्रोटेक्टर, पीछे स्क्रूज लगा हुआ है गाड़ी में, और डुगाटी की डैक पैड है गाड़ी के साथ। ये गाड़ी का हम लोग आस्किंग प्राइस है 7,00,000। नेक्स्ट ये है कावासाकी Z900, ऑल टाइम डिमांड में रहता है ये गाड़ी, बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। 2021 की गाड़ी है, 1 साल पुराना, BS6 मॉडल है, ये गाड़ी भी करीबन 1 लाख की एक्सेस लगा हुआ है, 5,300 किलोमीटर चला हुआ है। ये गाड़ी का हम लोग का आस्किंग प्राइस है 8,70,000। अच्छा, देख सकते हो गाइस कितना कम है, सिर्फ 8,70,000 में कावासाकी Z900। फिर उसके बाद आता है सुजुकी V-Strom 650। ये गाड़ी में खासियत ये है, ये गाड़ी अब ब्रांड न्यू पीस है, कोई यूज पीस नहीं है, ये 0 किलोमीटर चला हुआ है, अनरजिस्टर्ड है, जो लेके वो फर्स्ट ओनर बनेंगे विथ रजिस्ट्रेशन, नया गाड़ी से 1,30,000 रुपये डिस्काउंट में है, नया प्राइस है 10,30,000, हम लोग के यहाँ पर प्राइस है 9,00,000 रुपीज़ फिक्स्ड। ये पूरा नया ब्रांड न्यू पीस है। उसके बाद यहाँ पे दो हायाबुसा है, जो बाइक का अलग से पैसा देने का हमको नहीं लगता जरूरत है, हायाबुसा तो सबको जानता है, ये धूम बाइक का मॉडल में रहता है, ये 2016 रजिस्टर्ड बाइक है, पंजाब रजिस्टर्ड, सेकंड ओनर बाइक है, फ्रेंड्स लाइट का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, फ्रेंड्स लाइट लगा हुआ है गाड़ी में, 41,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये गाड़ी का हम लोग आस्किंग प्राइस है 10,00,000। इसके बाद आता है और एक 2014 दिसंबर की हायाबुसा, इसमें योशिमुरा की एग्जॉस्ट डाला हुआ है, स्लिपऑन टैंक पैड है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, टीडीएस की फ्रेंच फेडर है, और ये डबल लेवल की विंडस्क्रीन है, 22,900 किलोमीटर चला हुआ है। ये गाड़ी का हम लोग आस्किंग प्राइस है 9,35,000, 9,35,000 रुपये। फैट बॉय नैचो माचो क्रूजर, गाड़ी में 7 लाख की एक्सेसरीज लगा हुआ है, 2016 मैन्युफैक्चर, 17 रजिस्टर्ड, सेकेंड ओनर, उत्तराखंड रजिस्टर्ड बाइक है। ये बाइक में इतना खासा कस्टमाइजेशन किया हुआ है, हम इसे डिटेल्स बोलते हुए थक जाएंगे। इसमें बूम स्क्रीन स्पीकर्स भी लगा हुआ है, आप भी बाइक चलाते जाते गाना भी सुन सकते हैं, गाना भी बजा ले सकते हैं। ये गाड़ी का हम लोग आस्किंग प्राइस है 12,50,000। ये हम लोग का ग्रीन जोन है, BS3, BS4, BS6 तीनों मॉडल एक साथ अंडर वन रूफ, 2014 मैन्युफैक्चर, 17 रजिस्टर्ड, सेकेंड ओनर, पंजाब रजिस्टर्ड, 2 लाख की एक्सेसरी डाला हुआ, 8,000 चला हुआ गाड़ी, आस्किंग प्राइस 8,50,000। फिर आता है कावासाकी ZX-10R, 2018 मैन्युफैक्चर, 19 रजिस्टर्ड, इसमें फुल सिस्टम पैडल की एग्जॉस्ट पैडल स्कूल चला हुआ है, सिर्फ 2400 किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी। ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस है 2,65,000। नेक्स्ट आता है ZX-10R 2021 मॉडल, WP रजिस्टर्ड, कम्प्लीटली फुल्ली लोडेड, करीबन 2.5 लाख की लोडिंग के साथ, और सिर्फ 10 महीना पुराना गाड़ी, सिंगल ओनर, वेस्ट बंगाल नंबर बाइक, आस्किंग प्राइस 16,35,000। लास्ट नॉट द लीस्ट,
सीवीआर फायर ब्लेड 1000 RR इनलाइन फोर का रिविजनली बाइक है ये बोल सकते हो होंडा की जितना सारा सुपर स्पोर्ट इनलाइन फोर बाइक आता है उसमें ये बाइक आप बेंचमार्क है। ये ऐसा ही बाइक है, आपको यूज मार्केट में ये गाड़ी मिलना मुश्किल है, नया भी आप नहीं ले सकते अभी, सॉरी शायद नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद से इसका डिलीवरी फिर से स्टार्ट होगा। ये गाड़ी का अभी प्राइस लास्ट जो था उस टाइम में एक शोरूम अराउंड 33 लाख समथिंग ऑन रोड विथ ऑल एक्सेसरीज, इसमें जो एक्सेसरीज ज़्यादा हुआ है प्यूब का विंडस्क्रीन है, सामने फॉग प्रोटेक्टर है, आरएनजी का स्पूल्स है, स्विंग प्रोटेक्टर है, पूरा गाड़ी सेल्फिक आपको से पीपीएफ कोटिंग किया गया है, टू शीटर ऑटो फ्लिपर लगा हुआ है गाड़ी में, करीबन 3 लाख की एक्सेसरीज होगा, VIP नंबर 0001 सिंगल ओनर बाइक है, कनाडा रजिस्टर्ड है। ये गाड़ी का हम लोग का जो प्राइस है वो मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, ये ऑन रिक्वेस्ट है, जो सीरियस बायर आएंगे ऑन रिक्वेस्ट में उन लोगों के लिए इसका प्राइस रिवील होगा। ओके, इसके लिए आपको अगर ये बाइक आपको अगर लेना है तो आपको शोरूम पे आना पड़ेगा, ठीक है, आप नया चाह के भी पैसा दे के भी नहीं ले सकते हो गाड़ी, ऐसा गाड़ी आपको रेडी स्टॉक में यहाँ पे मिलेगा। A few minutes later. तो चलो यार गाइस, अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, टाइम हो गया अभी। जय दादा, थैंक यू दादा, खूब हेल्पफुल, मैंने प्रचंड भाव लगलो, আমি আবার আসবো দাদা। ড্রিম প্লেস দাদা এটা একটা, সমস্ত মোটর বাইক গড়ের পক্ষে এটা ড্রিম প্লেস দাদা এটা, আবার আসবো দাদা। ঠিক আছে, আসো দাদা। তো চলো यार फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, और फाइनली गाइस दिस इज़ द ड्रीम प्लेस फॉर एवरी मोटो ब्लॉगर इन कोलकाता। सो चलो यार अभी चलते हैं घर की तरफ। यार सच कर रहा हूँ गाइस, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, लाइक ये मेमोरेबल डे मेरे लिए यार, मतलब जय भाई को सामने से देखना, उसके साथ भाई जय बाइक्स पॉइंट में फर्स्ट टाइम आना यार, यही कारण है गाइस कि मैं इसको बोलता हूँ सुपर मिनी बाइक यार। पता है इसका कस्टम एग्जॉस्ट है, फिर भी साउंड सुनो यार, पता है सुपर बाइक का साउंड थोड़ा लाउड होता है, होगा क्यों नहीं भाई, फोर सिलेंडर वाला बाइक है, और ये देखो यार सिंगल सिलेंडर वाला बाइक, फिर भी यार ऐसे ये वाला सीन देख के ना हमेशा मुझे धूम वाला सीन याद आता है, धूम में भी एक ऐसा सीन था, जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है उसके बाद चलो। ओ धूम मचा दे, धूम मचा दे, धूम 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 मचा दे, धूम मचा दे, धूम कंटेंट ड्यूक वर्सेस R15। सच में गाइस शाम के टाइम पे ऐसे राइड करना, मतलब पता है गाइस आज टेंशन के मारे मेरा हालत पूरा ख़राब हो गया था यार। 7:30 बजे मेरा लॉगिन टाइम है ऑफिस में, और अभी फ़िलहाल 6:12 है, और मुझे लगा नहीं कि मैं इतने जल्दी यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं रास्ते पूरा भटक गया था, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। सो मैं आया तो था मैप देख के, लेकिन जाने के टाइम पे मेरा आईफोन पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था, लेकिन इस टाइम पे जय भाई ने पूरा मदद किया था, क्योंकि जाने के टाइम पे उसने पूरा रोड डायरेक्शन दे दिया था, काफ़ी मुश्किल, मतलब मुश्किल नहीं था, काफ़ी आसान भी था। तो फाइनली मैं बाली ब्रिज पे आ चुका हूँ, अगर लेट हो जाता तो यार प्रॉब्लम हो जाता ऑफिस में। सो गाइस बाली ब्रिज ख़त्म हो चुका है, और मोटो ब्लॉगिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं घर पर, चलो यार। सो फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूँ गाइस। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा ये आप डायरेक्टली
कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके बता सकते हो कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और अभी शायद स्क्रीन के नीचे भी आ रहा होगा। सो गाइस, पता है आज का व्लॉग नॉर्मल व्लॉग नहीं था, आज का व्लॉग थोड़ा हटके था, थोड़ा इंफॉर्मेटिव था, सुपर बाइक के बारे में था। और लाइक सुपर बाइक के बारे में हम सब लोग जानना चाहते हैं, इसी वजह से मैंने ये वाला ब्लॉग डाला। और गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करना कि आप लोग इन फ्यूचर ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो सुपर बाइक के बारे में स्पेशली कि आप लोग देखना चाहते हो कि ना देखना चाहते हो। सो यार, चलो इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग पे। पीस।